बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में रामसेर ब्रदर की फिल्में बहुत ही ज़्यादा चलती थी। इनकी बहुत सारी फिल्मों ने लोगों को डर से रूबरू कराया। फिर आ गया राम गोपाल वर्मा की डरना जरूर है, डरना मना है जैसी फिल्मों का ट्रेंड। इसके बावजूद उनकी भूतीस फिल्म ने भूतिया फिल्मों में अपना अलग ही बेंचमार्क सेट किया है। आरजेवी के बाद में ही महेश भट्ट और मुकेश भट्ट भूतों वाली डरावनी फिल्में बनाने लगे। उन्होंने जो राज में दिखाया उसने हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों की शक्ल और सूरत ही बदल दी। डर क्या होता है ये इन्होंने सच में महसूस कराया। इन सब बातों से इतना तो समझ में आता है कि भय मनोरंजन का ऐसा रस है जिसमें भर भर की टीआरपी आती है। भूतिया फिल्मों का कारोबार बहुत ही तगड़ा है। भूतिया फिल्मों का मार्केट एनकैश करने के लिए बॉलीवुड में आए दिन नई भूतिया फिल्म आती ही रहती है। इसी फ्लो को बरकरार रखने के रास्ते में अधूरा ही वेब सीरीज रास्ते की रोड़ी जैसी आ गई है। अधूरा ही वेब सीरीज देखने के बाद में सच में मैं परेशान सा हो गया हूँ कि रुक करे तो कैसे। रॉकेट बॉयज और एम्पायर जैसी वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी ने जब अधूरा ही वेब सीरीज का ऐलान किया लोगों में इसके प्रति उत्सुकता देखने को मिल रही थी। हालांकि भारत के हिंदी प्रेक्षकों के लिए ये अमेजोन प्राइम की पहली ही हॉरर सीरीज है, लेकिन सिटाडेल जैसी स्पाई थ्रिलर के ऊपर करोड़ों डॉलर फूकने वाली अमेजोन प्राइम हिंदी ऑडियंस के लिए ठीक से भूतिया फिल्म भी नहीं बना पाई। जिन्होंने रामसेर बदर की भूतिया फिल्में देखी है उन्हें जरूर होटल ये फिल्म जरूर देखी होगी। वेब सीरीज अधूरा की कहानी होटल इस फिल्म से बहुत सारी जगहों पर मेलजोल खाती है। हालांकि जब से विजय सेतुपति और त्रिशा कृष्णन की कॉलेज रीयूनियन पे आधारित 96 ये फिल्म आ चुकी है, हालांकि उसके बाद में कॉलेज रीयूनियन के ऊपर आधारित बहुत सारी फिल्मों की बहुत सारी भाषाओं में बाढ़ से आ गई है। इस कहानी में रीयूनियन 2007 के बैच का है। कहानी के केंद्र में एक छोटा बच्चा है जो हाल के दिनों में वहाँ पढ़ रहा है और पुराने छात्र जो अपने इस कॉलेज रीयूनियन के लिए देश विदेश से आ रहे हैं, दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं, पुराने किस्से फिर से सुनने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे पुराने किस्सों के साथ में नए हादसों को भी जोड़ा जा रहा है। प्रेम दोस्ती समलैंगिकता और मनोरोगी के किस्से इस वेब सीरीज की कहानी को कभी आगे ढकलते हैं तो कभी पीछे खींचते हैं। और वेब सीरीज क्लाइमेक्स पे आते आते इतना तो पता चल जाता है कि सीरीज में एक नहीं बल्कि तीन तीन क्लाइमेक्स। बॉलीवुड फिल्मों को कॉपी करने के चक्कर में ये वेब सीरीज पूरी तरह से बेअसर साबित होती है दिखाई दे रही है। वेब सीरीज अधूरा की कहानी जहाँ से चालू होती है तो सबसे पहले दो ही नाम आगे आते हैं। एक तो मिर्जापुर इस वेब सीरीज से मशहूर हो चुकी रसिका दुग्गल है और दूसरे है रॉकेट बॉयज के सुपर हीरो इश्वाक सिंह। नाइट मैनेजर इस वेब सीरीज से डेब्यू कर चुके श्रेनिक अरोड़ा भी इस वेब सीरीज में दिखाई देते हैं। रसिका दुग्गल यहाँ स्कूल की काउंसलर की भूमिका में है। उसे वहाँ के एक छोटे बच्चे वेदांत में अपने बच्चे की परछाई दिखाई देती है और वो वेदांत का अपने बच्चे जैसा ही ख्याल रखती है, लेकिन ये माँ बच्चे का रिश्ता जिस तरह से पनपना चाहिए वो उस तरह से वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। वो पूरा बनावटी मामला लगता है। अभिनय के मामले में श्रीनिक ने जहाँ सराहनीय काम किया है वहीं पर रसिका अपना बेस्ट देने के चक्कर में पूरी तरह से वेस्ट होते हुए नजर आती है। उनका उस तरह का अभिनय कहीं पे भी ठीक से निखर कर ही नहीं आता है। वही दूसरे ओर इश्वाक सिंह ने अमेरिका रिटर्न किशोर का किरदार किया है। स्कूल के रीयूनियन में उसे एक्स गर्लफ्रेंड भी मिलती है जो उसके ही दुश्मन दोस्त की बीवी बन चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे कहानी की और भी परतें खुलती रहती है और ये वेब सीरीज बार बार 2007 के उसी घटना के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इश्वाक सिंह के अभिनय से ही ये वेब सीरीज एक बार देखने की वजह बन जाती है। यहाँ पे जोया मोरनी का भी अभिनय बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाही मिली है पूजन छाबड़ा को। उनका अभिनय देखने लायक ही है। वेब सीरीज अधूरा अभिनय के मामले में लोगों की अपेक्षा अनुरूप 70-80% का तो मैदान मार ही लेती है, लेकिन मामला यहाँ पे कथा और पटकथा में ही गड़बड़ा जाता है। सीरीज के संवाद भी लोगों को किसी मायने में ठीक से प्रभावित ही नहीं करते हैं। इसका आखिरी एपिसोड इस तरह से रायता फैलाता है जो पची कुछ पहले की 6 एपिसोड ने इज्जत कमाई थी वो पूरी तरह से ढह जाती है। ये वेब सीरीज समलैंगिक संबंधों के ऊपर ठीक से अपना मत भी बता नहीं पाती है, ना ही हॉरर फिल्मों का ठीक से तड़का लगा पाती है। वेब सीरीज अधूरा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।